चलो हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अभी रिमाइंडर थ्योरम एकदम इजी है, जो हम लोग ने 3.4 में ऑलरेडी किया है उसको ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 1, दिस इज डिवाइड दिस बाय एक्स माइनस 1। हम लोग ने ये टाइप का हम लोग ने ऑलरेडी किया, तो पहले क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू, फिर क्वेश्चन लिखना है 2x² माइनस 4x माइनस 1। अभी डिवाइजर चाहिए हमें, डिवाइजर क्या लेंगे, डिवाइजर एक्स माइनस 1 है तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, ये माइनस 1 उधर जाके 1 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे और x की जगह में पूरा वही वैल्यू डालेंगे, क्या होगा 1 का क्यूब 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब 1 2 माइनस 4 माइनस 1। अभी क्या करेंगे, सब माइनस वाले को ऐड करेंगे 4 5 6 7, तो 1 माइनस 7 तो क्या आंसर आएगा, माइनस 6, है ना। तो ये जो है, ये आंसर जो आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये जो आंसर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, है ना। तो यही हो गया रिमाइंडर थ्योरम, समझ में। अगर इन केस दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने ऐसे दिया है, सोचो सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, 2³ माइनस 3t² प्लस kt प्लस 50 डिवाइडेड बाय t माइनस 3 एंड रिमाइंडर 62, ये आंसर दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो pt का वैल्यू लिखना है। अभी यहाँ पे देखो t है ना वेरिएबल, इसके लिए t लिखा, ऊपर के इसमें क्या था, x था, इसके लिए हम लोग ने x लिखा था, तो वापस हम लोग को ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 3t² प्लस kt प्लस 50, करेक्ट। अभी हमारा डिवाइजर क्या है, t इज इक्वल टू 3, क्योंकि t माइनस 3 दिया है, तो t इज इक्वल टू 3, तो p³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 50, है ना। तो कितना हुआ, 3 3 9 माइनस 3 3 9 9 3 27 प्लस 3k प्लस 50। अभी सॉल्व करना है, ये कितना हुआ 59 से 27 माइनस करना पड़ेगा, या तो 27 ये तो क्यूब नहीं है, क्यूब है ना, तो 3 3 9 9 तो 27 कट हो जाएगा, करेक्ट है। तो अभी अपने पास क्या बचा, 3k प्लस 50 बचा, 3k प्लस 50 बचा। मगर अभी उन्होंने क्या बोला है, रिमाइंडर क्या दिया है, उन्होंने दिया ना रिमाइंडर इज 62, बट रिमाइंडर इज 62, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 62 इज इक्वल टू 3k प्लस 50, तो हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा 3k इज इक्वल टू 62 माइनस 50, तो 3k इज इक्वल टू 12, तो k कितना होगा 12/3, k इज इक्वल टू 4, तो हमें वैल्यू मिल गया 4k का, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम, कौन सा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में कुछ अजीब या अलग है ही नहीं, अभी एक एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग ने, अगर px इज इक्वल टू x³ प्लस 4x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, अगर ऐसे है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी x माइनस 1 है तो कितना हुआ, प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो 1 का वैल्यू डालना पड़ेगा, माइनस 5, k
क्या हुआ 1 + 4 - 5, 5 - 5 क्या आया 0। ये क्या है? रिमाइंडर, करेक्ट है। हाँ, ये रिमाइंडर है। तो जब भी देर को x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये लिखना है। जब भी आपका रिमाइंडर जीरो आएगा तो आपको लिखना है x माइनस वन मतलब जिसे डिवाइड किया वो इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब इसका ये जो है उसका वो फैक्टर है। और एक एग्जांपल करेंगे तो और आपको आइडिया आ जाएगा। चलो सेकंड वाला एक और एग्जांपल करते हैं, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला। अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x - 5, यही दिया हाँ, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 दिया। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू क्या लेंगे, x प्लस 2 है तो x माइनस 2 लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 - 2 - 5। देखो 2 × 4 प्लस 4 हो गया, वापस 2, 4 × 8 माइनस 8, अभी 4 × -2 कितना हो गया -8 - 5। तो अभी ये टोटल करेंगे 8, 8, 16, 21, -21 आंसर आया है ना। ये क्या है, -21 रिमाइंडर है ना, अभी हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम देखा है ना। वो अगर है तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो है क्या, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है ना। देयर फोर एक्स प्लस टू जिससे हम लोग ने डिवाइड किया वो एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, बस यही फैक्टर थ्योरम है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आप करना ठीक है। उन्होंने दिया हुआ है 2x - 2x³ + 7 और हमें फाइंड करना है वैल्यू फॉर एक्स ठीक है। तो जैसे दिया है, अभी इन्होंने पहला एग्जांपल में दिया x इज इक्वल टू 3, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो px लिखना पड़ेगा, px इज इक्वल टू 2x - 2x³ + 7। अभी हमें क्या चाहिए, 3, x का वैल्यू कितना दिया 3, यहाँ पे उल्टा लेना नहीं क्योंकि इक्वल टू साइन है। जब x माइनस 3 दिया होगा तो प्लस 3 लिखेंगे, या x प्लस 3 दिया तो माइनस 3 लिखेंगे, तो 2 ( 3 - 2 ( 3³ + 7, 3 × 6 माइनस 2 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 प्लस 7, तो क्या होगा 6 - 54 + 7, तो 6 × 7 = 13, 13 - 54 तो आंसर आता है -41। समझ में आया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 3 इज -41। बस ऐसे ही आपको आंसर करना है।